दिन कितना समय डिवोट करना होगा बेसिकली क्लाइंट के प्रिपरेशन, आपने कितना किया? और भाई कॉलेज ऑफ चॉइस कुछ डेज ऐसे भी रहे जहाँ उतना एंजॉयमेंट नहीं हुआ, और तो मैं रेगुलरली एक्सरसाइज करता था, फुटबॉल के मैचेस खेलता था, मैं अवॉइड करता था कि मैं इंडोर गेम्स नहीं खेलता था ज़्यादा, आउटडोर गेम्स खेलते रहते जिससे कि आपका फ्रेंड सर्कल भी बना। हेलो एवरीवन, दिस साइड पटना लाइट, और आज हम क्लैट बिहार टॉपर के साथ में बैठे हैं। चलिए उनके अब तक के जर्नी के बारे में जानते हैं, ताकि जो भी कैंडिडेट्स क्लैट प्रिपेयर करेंगे उनको इनके जर्नी से कुछ सीख करके अपने जर्नी में कुछ अच्छा कर सके। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका नाम? शिवम। शिवम, आपका क्या रैंक रहा है क्लैट में? रैंक में बिहार में 2 रहा है। और ऑल ओवर इंडिया AIR 12। अच्छा, बिहार में 2 रैंक, रैंक 1 से आपका रैंक 2 है, कितना डिफरेंस रहा है मार्क्स का? वो रैंक 1 का मार्क्स तो अभी क्लियर नहीं। अच्छा, बट ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। अगर आप रैंक 1 करते हैं या रैंक 2 करते हैं, रैंक 10 तक आते हैं, तो मार्क्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, कुछ मार्क्स का डिफरेंस होता है। अच्छा, लाइक 1-2 मार्क्स का ऐसे ही। आपकी एलिमेंट्री एजुकेशन शुरुआती दौर में कहाँ से? सेंट मैरीज अकेडमी पटना। आपने क्लैट का एग्जाम जो अपीयरिंग में क्लियर कर लिया, फिर आपने ड्रॉप भी लिया? नहीं, फर्स्ट अटेम्प्ट में, अपीयरिंग में। मैं जब क्लास 12 का एग्जाम दे रहा था तभी, मतलब इस साल इसी साल। अच्छा, अभी तो रिजल्ट तो आया नहीं है? नहीं, रिजल्ट आ गया। रिजल्ट आ गया इस साल आ गया, क्लैट का रिजल्ट आ गया। हाँ, क्लैट का। बोर्ड का रिजल्ट? बोर्ड का अभी तक नहीं है। अच्छा, व्हाट काइंड ऑफ स्टडी मटेरियल जो आप यूज करते थे अपने जर्नी में? स्टडी मटेरियल तो हमें सारा कोचिंग प्रोवाइड कर देता था, करंट अफेयर्स हो, उनके किन टॉपिक पे आपको तैयारी करनी है, बुक्स हो लॉजिकल रीजनिंग पे, लीगल रीजनिंग पे, या फिर आपको मैथमेटिक्स के लिए आपको बुक्स चाहिए, फॉर्मूलेस के लिए बुक्स चाहिए, तो हम सारा मटेरियल कोचिंग प्रोवाइड कर देता था। मुझे कोई एक्सटर्नल या ऑनलाइन रिसोर्स मटेरियल की जरूरत नहीं पड़ी। फिर भी कोई कोर बुक्स तो होगा ना जिसको आप अपने प्रिपरेशन जर्नी में यूज़ करा करते हो? देखिए, कोर बुक सब्जेक्ट वाइज है। मान लीजिए जैसे आपको वर्ड पावर के लिए चाहिए, तो एक नॉर्मल लुईस की बुक है, वर्ड पावर मेड इजी। फिर इंग्लिश ग्रामर के लिए एक रेनन मार्टिन का है, वो आप अगर इस बार इंग्लिश ग्रामर भी आया था हमारे क्लैट के प्रिपरेशन में, तो सैम्पल पेपर में आया था, तो पहले क्लैट में इंग्लिश ग्रामर उतना यूज़ नहीं होता था, बट इस बार सैम्पल पेपर में आया तो मैंने इंग्लिश ग्रामर उससे प्रिपेयर किया। फिर लॉजिकल रीजनिंग के लिए और बाकी सब्जेक्ट्स के लिए हमें रिसोर्स मटेरियल कोचिंग से मिल जाता था, तो इसी तरीके से। अच्छा, करंट अफेयर्स में न्यूज़पेपर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है क्लैट के प्रिपरेशन में, कितने आवर्स डिवोट करते थे आप उसको? न्यूज़पेपर में अगर आप रेगुलरली पढ़ रहे हैं तो आप 2 आवर्स में आपको पूरा न्यूज़पेपर हो जाएगा नोट्स बनाने के साथ साथ, तो 2 आवर्स मोर देन एनफ। तो आप ज़्यादा फोकस किस पे करते थे, एडिटोरियल वाले सेक्शंस पे या फिर साइंस का सेक्शन, कौन सा सेक्शन ज़्यादा? देखिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एडिटोरियल। और इंडियन एक्सप्रेस में आता है एक एक्सप्लेन सेक्शन। अच्छा, अगर आप ये दो को पढ़ लेते हैं अच्छे से, एक्सप्लेन सेक्शन, एक्सपर्ट्स ओपिनियन और एडिटोरियल सेक्शन, तो तकरीबन आपका 45-50% प्रिपरेशन हो जाएगा। बट क्योंकि क्लैट अब और डायनेमिक होते जा रहा है, चेंज होते जा रहा है, तो साइंस से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछ रहा है। फिर उसके बाद जो नए एडवांसेस हो रहे हैं टेक्नोलॉजी में, स्पेस में, या पॉलिटिकल अगर बहुत ज़्यादा कुछ चेंजेस हुआ है या कोई समिट हुआ है, तो इन सारी चीज़ों से भी क्वेश्चन आते हैं। पर अगर आप एक्सप्लेन सेक्शन पढ़ रहे हैं, तो इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन सेक्शन में कोई भी नया टॉपिक डिटेल में समझा देता है, तो ये दो पार्ट्स आपके लिए 50% का काम करते हैं। कितना वेटेज होता है करंट अफेयर्स का पेपर में? पेपर में समझ लीजिए 150 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, और 35 मार्क्स सिर्फ करंट अफेयर्स। 35 मार्क्स? हाँ। अच्छा अच्छा, आप हमें ये बताओ, जैसे इंग्लिश वाला सेक्शन है, उसमें किस तरीके का, वो गैप ज़्यादा हुआ करते थे, पैसे किस तरीके का, क्वेश्चन पैटर्न किस तरीके के? देखिए, क्वेश्चन चेंज होते रहते हैं। जैसे हमारा इंग्लिश में होता है 30 मार्क्स का क्वेश्चन, और डिपेंड करता है कि कई बार आपको 5 पैसेज देगा और उसमें हर पैसेज में 6-6 क्वेश्चन होंगे, या कई बार 6 पैसेज देगा और उसमें 5-5 क्वेश्चन होंगे। वोकैबुलरी में एट मैक्स 5 क्वेश्चन आते हैं, और उसके बाद आपको एंटोनिम्स सिनोनिम्स आ जाएंगे तकरीबन 3-4 नंबर का। कभी भी वोकैबुलरी नहीं जाएगा 8-9 नंबर से ज़्यादा, एट मैक्स हो जाएगा। फिर आपको 1-2 नंबर का ग्रामर आएगा, उसके बाद डायरेक्टली आपसे कहा जाएगा कि मेन आइडिया क्या है पैसेज का, या समरी क्या है, या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा पैसेज से। तो मेनली है कि वहाँ पे आप कितना ज़्यादा अपना रीजनिंग एबिलिटीज को यूज़ कर सकते हैं, कितने अच्छी तरीके से आप पैसेज को समझते हैं। प्रायर नॉलेज पे ज़्यादा बेस नहीं है, आपको जो वर्ड मीन्स भी पूछा जाएगा वो पैसेज में दिया हो रहेगा, तो आप एक तरीके से डिड्यूस कर सकते हैं कि पैसेज में उसको मतलब क्या है। तो आपको बेसिक वर्ड मीनिंग चाहिए, बट रीडिंग स्पीड आपकी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। अगर अराउंड आपका 300 वर्ड्स पर मिनट है, तो आप अच्छे से क्लियर कर पाएंगे, क्योंकि पैसेजेस अराउंड 450 वर्ड्स के होते हैं,
कहा जाता है 450 वर्ड्स, लेकिन कई बार वो 500 वर्ड्स 600 वर्ड्स तक भी चले जाते हैं। तो रीडिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए और उसके बाद अंडरस्टैंडिंग स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो इन दोनों चीज़ें अगर आपकी अच्छी है तो क्लैट में आपको काफ़ी मदद होगी। आप हमें ये बताओ कि प्रिपरेशन जर्नी में कोचिंग का इंपॉर्टेंस रखता है? डेफिनेटली, क्योंकि रिसोर्स मटेरियल बहुत ज़्यादा है, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड। वैसे तो सारे आपके पास जितने भी आपको चीज़ पढ़ने हैं वो ऑनलाइन अवेलेबल है, लेकिन उसमें आप चूज कैसे कीजिएगा? मान लीजिए 50 बुक्स हैं तो 50 बुक्स आप पढ़ नहीं सकते, तो आपको वो 50 में से कौन सा बुक चूज करना है। फिर उन 50 बुक्स में भी अगर मान लीजिए आपने एक चूज कर लिया, उनमें किन पार्ट्स पे ज़्यादा फोकस करना है, किन पे थोड़ा कम करना है और किन को बिल्कुल इग्नोर करना है। उसके बाद आपको किन करंट अफेयर्स पे फोकस करना है, क्योंकि आप करंट अफेयर्स देखोगे तो न्यूज़पेपर में भी काफ़ी करंट अफेयर्स हैं, आप गाइड्स पे जाओगे तो उसमें भी बहुत ज़्यादा है। तो कोचिंग मटेरियल, कोचिंग का काम होता है एक तो आपको डायरेक्शन देना, क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे डिस्ट्रैक्शन से बचना है, और एक रूटीन बना देता है कोचिंग। जैसे अगर आप रोज रेगुलरली कोचिंग आ रहे हैं तो मेनली आपको कम से कम 5 से 6 घंटे पढ़ना ही होगा, नहीं तो होता है मान लीजिए आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो हो सकता है एक दिन आप 15 घंटे पढ़ें और दूसरे दिन आप 2 घंटे भी नहीं पढ़ पाए। तो सेल्फ स्टडी और कोचिंग में यही डिफरेंस है, लेकिन आप बहुत डिसिप्लिन हैं, बहुत ज़्यादा आप अपने रूटीन को फॉलो कर पाते हैं, एनर्जेटिक हैं, इंस्पायर्ड हैं, तो आप सेल्फ स्टडी से भी कर सकते हैं। बट मैं सजेस्ट करूंगा कोचिंग आप ले लें, क्योंकि ये वर्थ इट, अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट निकाल पा रहे हैं तो ये बेटर है ना कि आप पहली बार सेल्फ स्टडी करें और सेकंड टाइम में आप कोचिंग का भी इस्तेमाल करें। अच्छा, जो कैंडिडेट्स क्लैट के प्रिपरेशन में आगे आएंगे उनके लिए आप क्या फीडबैक देंगे अपने जर्नी को देखते हुए? उनके लिए सबसे पहले तो फीडबैक रहेगा कि ज़्यादा बुक्स को इग्नोर, बहुत सारी बुक्स को आप एलिमिनेट करें। अच्छा। बहुत सारी बुक्स जो हमें दी जाती हैं, ये सारे रिसोर्स को लिमिट करना है, बहुत ज्यादा लिमिट करने की जरूरत है, क्योंकि रिसोर्स एंडलेस। पहले प्रॉब्लम था कि रिसोर्स ज्यादा नहीं, अब इतना ज्यादा रिसोर्स है कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको लगेगा कि पहले ये बुक पढ़ना चाहिए, फिर आपको लगेगा नहीं नहीं इस बुक से ज्यादा बेटर दूसरा बुक। उसके बाद कई ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं, उसमें भी बहुत ज्यादा रिसोर्स है, फिर यूट्यूब पे एंडलेस वीडियोज हैं। तो मैं आपको कहूंगा रिसोर्स को काफी ज्यादा लिमिट करें, डिसाइड कर लें किन बुक्स को पढ़ना है और उसके बाद उसी पे स्टिक करें। दूसरा कि आप YouTube और बहुत सारे ऑनलाइन वेबसाइट्स पे ना जाएं, क्योंकि उससे आपका टाइम बहुत ज़्यादा जाएगा। क्लिक बेट टाइटल्स होते हैं कि 30 दिन में कैसे क्लैट क्लियर करें, 15 दिन में कैसे क्लियर करें, उससे क्लैट क्लियर नहीं हो। क्लैट आपको कम से कम 6 महीने से 8 महीने का प्रिपरेशन मांगता है और आपको देना ही होगा। अगर आपको क्लियर करना है फर्स्ट अटेम्प्ट में तो आपको उतना टाइम देना होगा, डिलीजेंटली पढ़ना होगा। दूसरा, न्यूज़पेपर पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करें। न्यूज़पेपर लास्ट में कुछ बच्चे सोचते हैं कि हम तो लास्ट में पढ़ लेंगे, हेडलाइंस पढ़ लेंगे या फिर किसी वेबसाइट पे चले जाएंगे, वहाँ पे हम रिसेंट न्यूज़ देख लेंगे, पॉपुलर न्यूज़ देख लेंगे, उससे नहीं होने वाला है। क्लैट चाहता है डिटेल आपके पास इन्फॉर्मेशन होना चाहिए एक पर्टिकुलर टॉपिक पे। कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उस पर आपको डिटेल नॉलेज होना चाहिए। क्लैट आपको एक पैसेज देगा और उससे आपसे 5 क्वेश्चन पूछेगा, तो 5 क्वेश्चन का हो सकता है आपने अगर सरफेस लेवल रीडिंग करी हो तो आप एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाए, 2 को कर पाए, लेकिन अगर 5 को आपको करना है, क्योंकि आसान है अगर आप न्यूज़पेपर कर रहे हैं तो उसके लिए आपको डिटेल में एक टॉपिक पे पढ़ना होगा। और अगर न्यूज़पेपर आप कंसिस्टेंटली पढ़ रहे हैं तो वो टॉपिक पे ऐड ऑन होते रहता है। आपने अगर जैसे मान लीजिए समिट हुआ कोई, तो उसमें फर्स्ट डे आपने पढ़ लिया कि कहाँ हुआ है, इस कौन प्रेसिडेंट है, कौन सा ईयर है इस समिट का। उसके बाद अगले दिन आपको आएगा उस समिट का कंक्लूजन क्या आया, इसके क्या ओपिनियंस थे, आगे क्या गोल्स होंगे, ऐसे करके न्यूज़पेपर ऐड ऑन करते जाता है। इससे आप पे एक बार कभी काफ़ी ज़्यादा लोड भी नहीं होता है और आप प्रॉपर्ली नोट्स भी कर पाएंगे। तो मैं कहूँगा न्यूज़पेपर फोकस करें, रिसोर्स को लिमिट करें, टाइम मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आप अगर टाइम रिसोर्स को लिमिट नहीं कर पाते हैं और डिसाइड नहीं कर पाते कि इस सब्जेक्ट को मुझे इतना ही देना है, तो आपको लगेगा कि पहले मैं ये पूरा चैप्टर खत्म कर लूँ फिर दूसरे पे जाऊँगा। उससे होता क्या है कि आप वो चैप्टर तो खत्म कर लेते हैं पर वो दुगना टाइम ले लेता है, जिससे काफ़ी सिलेबस कई बार छूटा रह जाता है। तो मैं कहूँगा स्टिक करें टाइम मैनेजमेंट पे, काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, और मोटिवेटेड रहें। लंबी जर्नी है, 6-8 महीने की है, तो डेली पढ़ें, कंसिस्टेंटली पढ़ें, क्योंकि एक दिन में आप कितना पढ़ते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, हर दिन आप कितना पढ़ते हैं वो इम्पोर्टेंट है। जो आप हर दिन कितना समय डिवोट करना होगा बेसिकली क्लैट के प्रिपरेशन, आपने कितना किया? देखिए, मैं तो क्लास 12th भी कर रहा था और क्लैट भी साथ साथ कर रहा था, तो स्कूल में भी तकरीबन आपको 6 घंटे लग जाता है और स्कूल से आने जाने में भी 1 घंटे लग जाते हैं, आपको थोड़ा रेस्ट करना होता है, तो तकरीबन 7 से 8 घंटा मेरा स्कूल में कंप्लीट लग जा रहा था और बाकी के 6 से 7 घंटे मैं क्लैट का प्रिपरेशन कर रहा था, तो तकरीबन 12-13 घंटे हो जाते थे। बट अगर आप लॉ ड्रॉप कर रहे हैं और उसके बाद आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप 8 घंटे अगर डेली करते हैं तो आप हो जाएगा। बस इंपॉर्टेंट है कि कितना फोकस के साथ आप कर रहे हैं। अगर आपको अच्छा आउटपुट चाहिए तो टाइम के साथ साथ इंटेंसिटी और फोकस भी मैटर करता है। तो आप अगर डिलीजेंटली 8 घंटे हर दिन पढ़ रहे हैं तो आपका आराम से क्लैट हो जाएगा। आपका कोई कॉलेज ऑफ चॉइस? कॉलेज ऑफ चॉइस तो NLSIU था और मुझे वो मिल गया, रैंक 1 कॉलेज, उसी में जाएंगे आप? हाँ, उसी में। ओके, आपने इस जर्नी को एंजॉय किया? हाँ, कुछ डेज ऐसे भी रहे जहाँ उतना एंजॉयमेंट नहीं हुआ, बट ओवरऑल कह सकते हैं कि एक अच्छी जर्नी थी। लास्ट क्वेश्चन, सब भी फैसिनेट होता है कि टॉपर्स क्यों पढ़ाई करते हैं,
अपार्ट फ्रॉम स्टडी आपने कुछ ऐसा कुछ किया? नहीं, ऐसा नहीं है कि आप हमेशा पढ़ाई करते रहते हैं, आपको बीच में ब्रेक लेना रहता होता है। और तो मैं रेगुलरली एक्सरसाइज करता था, तो फुटबॉल के मैचेस खेलता था। मैं अवॉइड करता था कि मैं इंडोर गेम्स नहीं खेलता था ज़्यादा, आउटडोर गेम्स खेलते रहते, जिससे कि आपका फ्रेंड सर्कल भी बना रहता है, आप दोस्तों से बात करते रहते हैं, और साथ साथ एक तरीके से आपका एक मेंटल हेल्थ भी अच्छी पोजीशन में रहता है। आप अगर खुद को पैक कर लेंगे, आप किसी से बात नहीं कर रहे हैं, कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, तो आप बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो जाएंगे, इसका आपका मेंटल हेल्थ पे भी काफ़ी निगेटिव इम्पैक्ट होता है। तो मैं कहूँगा आप आउटडोर स्पोर्ट्स खेलें, मोबाइल से दूर रहें, दोस्त से मिलते रहें, दोस्तों को छोड़ने की जरूरत नहीं है, अच्छे दोस्तों के साथ रहें, बस यही सारी क्वालिटीज हैं। आप अगर ये सारी चीज़ फॉलो करते हैं तो आपका अच्छा रहेगा। एनी मैसेज फॉर द नेशन? आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज इज दैट एवरी सिटीजन शुड बी अवेयर ऑफ देयर लीगल राइट्स। इफ दे आर अवेयर देन दे कांट बी एक्सप्लॉइटेड। वी आर सीइंग इंक्रीज्ड ऑपरेशन डन बाय द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, एंड आई थिंक इफ एवरी सिटीजन नोज देयर राइट, दे कांट बी एक्सप्लॉइटेड बाय द मशीनरीज ऑफ गवर्नमेंट, दे कांट बी एक्सप्लॉइटेड बाय एनीवन। सो आई थिंक एवरीवन शुड हैव लीगल अवेयरनेस, दे मस्ट नो देयर राइट्स, दे मस्ट नो देयर ड्यूटीज, सो दैट दे कैन प्रोटेक्ट देमसेल्फ एंड देयर फैमिलीज। काफ़ी अमेजिंग जर्नी इनका रहा और इन्होंने बिहार में सेकंड रैंक पाया है, और अपार्ट फ्रॉम द स्टडीज इन्होंने स्पोर्ट्स करिकुलर में बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट करा। इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए पटना। थैंक यू सो मच। थैंक यू।